आप सभी दोस्तों को सुबह की प्यारी से गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द यूनिक कोचिंग क्लासेस ऑन बिहाफ आप आनंद केसरी। दोस्तों, आज हम लोग जो है फिर से एक नया एसे के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको जो है कुछ एसे जो है दिया था, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस का ही दूसरा नाम एसे है, एसे राइटिंग। तो उसमें माई मदर पे भी मैंने दिया था, और उसके बाद आपको जो है अब ये माई बेस्ट टीचर या आवर क्लास टीचर जो भी बोलिए उस पर जो है आपको दिया गया था। आज हम लोग जो है क्या पढ़ेंगे, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, 6 से लेके 10 तक 6 7 8 9 10, ये हर क्लास में लगभग आता है, एन इंडियन फेस्टिवल। ये इंडियन फेस्टिवल के स्थान पे दोस्तों योर फेवरेट फेस्टिवल भी हो सकता है, या एन आइडियल फेस्टिवल भी हो सकता है, या द रिलीजियस फेस्टिवल भी हो सकता है। तो इस पर कैसे हम लिखेंगे, किसी भी फेस्टिवल का नेम लेकर के हम जैसे लिखना चाहें वैसे लिख सकते हैं। आप जिस भी फेस्टिवल को दोस्तों पसंद करते हैं उस फेस्टिवल के बारे में आप यहाँ पे जो है नोट कर सकते हैं, उस दिन हम लोग क्या करते हैं, कैसे मनाते हैं, सब उसके बारे में क्यों मनाते हैं, सब आप जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं। हम इस दोस्तों में इसमें जो है मैंने क्या दिया है, इंडियन फेस्टिवल के बारे में, इंडियन फेस्टिवल में मैंने दिवाली के बारे में लिखा हुआ है। और एक चीज़ और भी है दोस्तों, आप वीडियो की क्वालिटी को 360 पे ही देखें या इससे एबव करके देखें। 360 देखने पर, 360 से नीचे देखने पर आपका जो वीडियो है वो लिखे हुए शब्द जो है आपको धुंधले दिखाई देंगे, इसलिए वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिए और अधिक से अधिक जो है वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट जो है करिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, जिससे जो भी वीडियो हम आपका अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले पहुंचता रहे। और मैं एक बार और कहूँगा दोस्तों कि वीडियो को शेयर करके जो है आप उनसे भी जो है कहिए कि वीडियो को सब्सक्राइब करें। चलते हैं दोस्तों, हम लोग जो है क्या लिखे हैं इंडियन फेस्टिवल के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों हम करेंगे क्या, हमें जिस टॉपिक के बारे में लिखना है वो टॉपिक हम क्या करेंगे, ऊपर जहर से डाल देंगे, ऊपर टॉपिक डाल देंगे, और टॉपिक में हमको जो जो हेडिंग आपको डालना है उस हेडिंग को पहले ऊपर ऐसे ही मेंशन कर लीजिए हिंट्स के रूप में, क्या क्या हमको लिखना है। जैसे नेम ऑफ द फेस्टिवल, द टाइम ऑफ सेलिब्रेशन, प्रिपरेशन फॉर द फेस्टिवल, हाउ आई सेलिब्रेटेड, या कंक्लूजन। इस प्रकार आप यहाँ ऊपर जो है इंट्रोडक्शन भी, आप नेम ऑफ द फेस्टिवल के प्लेस पर इंट्रोडक्शन भी डाल सकते हैं। और ये डालने के बाद आप इस सिंगल बाय सिंगल जैसे जैसे हेडिंग आप ऊपर लिखे हैं वैसे वैसे आप हेडिंग डालते जाइए और उसके बारे में लिखते जाइए। जैसे दोस्तों मैंने सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ था नेम ऑफ द फेस्टिवल, तो हमने हेडिंग में डाला है नेम ऑफ द फेस्टिवल। इसमें दोस्तों मैंने क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि द नेम ऑफ द फेस्टिवल इज़ दिवाली, माने जो इस फेस्टिवल का क्या नाम है, दिवाली है। ये कैसा है, इट इज़ फेमस फेस्टिवल ऑफ हिंदू, माने ये हिंदुओं का सबसे फेमस जो है फेस्टिवल ने त्यौहार है। इट इज़ सेलिब्रेटेड जो है थ्रू आउट द कंट्री, माने ये पूरे जो है देश में मनाई जाती है, विथ ग्रेट पंप एंड शो। विथ ग्रेट पंप एंड शो का मतलब जो है दोस्तों क्या होता है, शान शौकत के साथ, माने इस फेस्टिवल को हम लोग कैसे मनाते हैं, बड़े शान शौकत के साथ मनाते हैं। और इट इज़ नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, और इसे हम लोग दूसरे शब्दों में करा क्या नाम से जानते हैं, प्रकाश का त्यौहार, माने लाइट्स का ये फेस्टिवल होता है, प्रकाश का त्यौहार होता है, इसीलिए जो है हम लोग इसे क्या कहते हैं, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स कहते हैं। तो दोस्तों नेम ऑफ द फेस्टिवल में मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे कैसे आपको क्या करना है। अब उसके बाद दोस्तों देखिए, दूसरा जो हेडिंग था वो क्या था, द टाइम ऑफ सेलिब्रेशन। अब आप इसको हेडिंग डालिएगा द टाइम ऑफ सेलिब्रेशन, इसमें दोस्तों आप क्या लिखेंगे, द टाइम ऑफ सेलिब्रेशन में मैंने लिखा है इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ कार्तिक, माने ये कब पड़ता है, कार्तिक महीने में पड़ता है। सम पीपुल बिलीव दैट, कुछ लोग विश्वास करते हैं इस फेस्टिवल के बारे में कि राम रिटर्न टू अयोध्या, कि राम वापस अयोध्या आए थे, कब, आफ्टर किलिंग रामन द किंग ऑफ लंका, माने लंका के राजा, माने रावण को मारकर, माने लंका के राजा रावण को मार करके जब भगवान राम वापस आए थे तभी जो है दिवाली मनाया गया था। इट फॉल्स इन द मंथ ऑफ नवंबर, ये कब पड़ता है, माने ये कार्तिक महीना कब पड़ता है, नवंबर मंथ में पड़ता है। तो दूसरा जो आपका ये हेडिंग था यही था। तीसरा जो हेडिंग दोस्तों है वो क्या है,
प्रिपरेशन ऑफ द फेस्टिवल। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है तीसरा हेडिंग आपका प्रिपरेशन ऑफ द फेस्टिवल, माने फेस्टिवल की जो है प्रिपरेशन हम लोग कैसे करते हैं, कैसे तैयारी करते हैं। तो इसमें लिखा है दोस्तों, इट इज सेलिब्रेटेड विथ ग्रेट पंप एंड शो। मैंने आपको बताया ग्रेट पंप एंड शो का मतलब होता है बड़े शान शौकत के साथ। मतलब ये है कि इस त्यौहार को हम लोग कैसे मनाते हैं, बड़े शान शौकत के साथ मनाते हैं। वी क्लीन आवर हाउसेस, हम लोग अपने घर को साफ करते हैं। एंड वाइट वाश्ड, वाइट वाश्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों, वाइट वाश्ड का मतलब होता है सफ़ेदी करना। माने हम लोग जैसे अपने घर में चूना पेंट जो भी है करते हैं तो उसी को बोलते हैं वाइट वाश्ड करना। वी वर्शिप जो है द लॉर्ड कृष्णा, सॉरी लॉर्ड गणेश एंड जो है गॉडेज लक्ष्मी जी। हम लोग क्या करते हैं, भगवान जो है गणेश और जो है जो देवी लक्ष्मी जी होती हैं उनकी हम लोग उसी दिन क्या करते हैं, पूजा करते हैं। अब दोस्तों जो है नेक्स्ट है डिनर के आपका क्या है, हाउ आई सेलिब्रेटेड, माने हम लोग इस त्यौहार को कैसे सेलिब्रेट करते हैं, कैसे मनाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करते हैं, वी डेकोरेट आवर हाउसेस विद दियाज, माने हम लोग अपने घरों को सजाते हैं कैसे, दिया से, कैंडल माने मोमबत्ती से, या इलेक्ट्रिक बल्ब माने जो झालर होता है उससे सजाते हैं। और लिखा है मैंने वी लेट अप फायर वर्क्स विथ आवर फ्रेंड्स। देखो देखिए दोस्तों, फायर वर्क्स का मतलब क्या होता है, आतिशबाजी करना। जो लोग पटाखा टक्का बजाते हैं अपने दोस्तों के साथ या स्वयं बजाते हैं, तो मैंने उसको भी लिख दिया है कि हम लोग क्या करते हैं कि अपने मित्रों के साथ जो है आतिशबाजी भी करते हैं। वी ईट स्वीट्स, हम लोग मिठाइयाँ खाते हैं। और सम पीपल प्ले गैम्बल, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं दोस्तों जो उस दिन क्या करते हैं, जुआ भी खेलते हैं। अब उसके बाद दोस्तों लास्ट आपका हेडिंग मैंने दिया है कॉन्क्लूजन। कॉन्क्लूजन मतलब जो है इसमें क्या है, दिवाली इज फेमस फेस्टिवल ऑफ इंडिया। दिवाली जो है हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार माना जाता है, फेमस त्यौहार होता है। इट रिमाइंड्स अस, ये हमें किस चीज़ की याद दिलाता है, आप लॉर्ड राम माने भगवान राम की, और लॉर्ड जो है महावीर, महावीर जो हनुमान जी का ही नाम है उनकी भी हमें याद दिलाता है। सम पीपल प्ले गैम्बल एंड ड्रिंक, कुछ ऐसे भी लोग जैसे दोस्तों है मैंने बताया कि गैम्बल माने जुआ खेलते हैं या ड्रिंक करते हैं। तो वी शुड ट्राई टू रिमूव जो है दिज इविल्स, हमें क्या करना चाहिए, ट्राई माने कोशिश करना चाहिए, रिमूव माने हटाने की, दिज इविल्स माने इन सभी बुराइयों को, माने हमें इन सभी बुराइयों को क्या करना चाहिए दोस्तों, हटा देना चाहिए। यही दोस्तों जो है मैंने आपको जो है लिखा है, ये इंडियन फेस्टिवल कहिए, रिलीजियस फेस्टिवल कहिए, एंड आइडियल फेस्टिवल बोलिए, जो भी आप जो है मतलब फेस्टिवल के बारे में जो है जो भी आप कहेंगे इसमें आ जाएगा। अगर फेस्टिवल में नाम जैसे आप बदल देते हैं, दिवाली के स्थान पर होली या कुछ लिखते हैं, तब आप अपने तरीके से उसे लिख सकते हैं। बस जैसे मैंने बताया कैसे कैसे लिखा जाता है हेडिंग में, वैसे डाल करके आप उसे अपने तरीके से भी उसे लिख सकते हैं। इसका दोस्तों स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसका दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में नोट कर लीजिए और दोस्तों इसे लर्न करने का प्रयास करिए और अपने से भी लिखने का प्रयास करिए। जितना आप लिखेंगे, जितना एक बार बिना एक बार देख कर लिखिए, एक बार बिना देखे लिखेंगे, उतना ही अच्छे से आपको याद हो जाएगा और फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। वीडियो को आप अधिक से अधिक जो है दोस्तों शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।